हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS सीडो क्लास। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सीडो क्लास और ये क्या करती है। सीडो क्लास इज़ यूज टू डिफाइन एन स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। ये एलिमेंट के स्पेशल स्टेट को बताती है। स्पेशल स्टेट्स क्या क्या हो सकते हैं। स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन द यूज़र माउस इज ओवर इट। अगर मैं माउस उस पर ले जाता हूँ किसी भी एलिमेंट पर, वो उसका स्टाइल चेंज हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो सकता है, इस तरह की स्पेशल स्टेट। और हो सकता है कि वो विजिटेड हो गई हो, मैंने उसे क्लिक करा हो, और अनविजिटेड हो तो वो डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स हो और उसका स्टाइल भी डिफरेंट डिफरेंट हो। तो ये चीज़ हम यूज़ करके देखेंगे। इसका एक सेंटेक्स देख लेते हैं, सेंटेक्स कैसा होता है। सबसे पहले आपके पास सेलेक्टर होता है। सेलेक्टर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, H1 लिख सकते हैं, H2 लिख सकते हैं, या फिर एंकर टैग लिख सकते हैं, कोई भी टैग लगा सकते हैं। उसके बाद आपको सीडो क्लास लिखनी होगी। सीडो क्लास में आपको बताऊँगा कौन कौन सी होती हैं। और उसके बाद अंदर प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, बैकग्राउंड क्या है या फिर कलर है, टेक्स्ट अलाइनमेंट है, ये सब चीज़ें। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एंकर सीडो क्लासेस हैं अपनी, एंकर सीडो क्लासेस में आपका सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ए जो है आपका वो सेलेक्टर है, कॉलन लगाएंगे फिर उसके बाद लिंक। तो ये बताएगा आपका कि आपका जो लिंक है वो अनविजिटेड लिंक है, मैंने उसको क्लिक नहीं करा है, उसको विजिट नहीं करा है अभी। और होगा आपका दूसरा है होवर। होवर क्या करेगा, आपको बताएगा कि माउस अगर आपका ले जाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम करके देखेंगे। थर्ड आपका विजिटेड लिंक है जो आपको बताएगा कि आप जो लिंक है वो विजिट कर चुके हैं। फोर्थ आपका बताएगा सेलेक्टेड लिंक कि मैंने उसे सेलेक्ट करा है। तो मूवमेंट में सेलेक्ट करूँगा, उसको बाद उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ये चारों चीज़ें हम यूज़ करके देखते हैं। वैसे हम सारे चीज़ें ये यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी CSS लिंक में, बट मैं आपको फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। इसके लिए अपने नोटपैड पे जाएंगे। नोटपैड पे आप सामने देख सकते हैं आपका लिखा हुआ है ए, एंकर टैग जो कि हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, एंकर टैग जीमेल। इसके बाद हमारा लिंक बता रहा है। लिंक हमें ऑलरेडी पता है कि अनविजिटेड है, उसके लिए हमने ब्लू कर दिया है, और विजिटेड के लिए येल्लो कर दिया है, होवर के लिए हमने रेड कर दिया है, और एक्टिव जब होंगे उसके लिए हमने ब्लैक कर दिया है। इसको हम सेव करके देखते हैं, उसके बाद इसमें प्रॉपर्टीज़ लगा के देखेंगे कैसे कैसे वर्क कर रही हैं। CSS सीडो क्लास डॉट एचटीएमएल में इसे सेव कर रहा हूँ, किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं, डॉट एचटीएमएल फाइव में, या ये कन्वर्ट हो चुके हैं डॉट एचटीएमएल में। उसके बाद मैं इसे गूगल क्रोम पर ओपन कर रहा हूँ, किसी भी आप ब्राउज़र पर ओपन कर सकते हैं CSS सीडो क्लास। ये आप देख सकते हैं सामने आपका क्लिक मी लिखा हुआ है, तो मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप कोड देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक मी, और मैंने इस जो विजिट लिंक है आपका जो क्लिक मी है उसको अभी विजिट नहीं करा है, तो ये ब्लू दिखा रहा है। जैसे ही मैं विजिट कर लूँगा तो ये येल्लो हो जाएगा, ये भी मैं आपको दिखाऊँगा। होवर करने पर वो रेड हो रहा है अभी, ये देखिए होवर करने पर रेड हो रहा है। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा वो ब्लैक हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैं क्लिक करने वाला हूँ अभी ब्लैक होने वाला है, आप देख सकते हैं सामने, ये देखिए ब्लैक हुआ था। ब्लैक होने के बाद अभी मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, मेल डॉट बैक करते हैं इसे, तो ये तो बैक चले गए हम। बट अभी मैं आपको अगर इसका कोड दिखाऊं, तो कोड आप अगर देखेंगे तो सामने आपका लिखा हुआ है, आपका ब्लू हो चुका है कोड। ये विजिटेड में आप देखेंगे तो ये येल्लो है, ये आपको दिखा रहा है कि जो आपका एंकर टैग है, जो लिंक है, वो आपका विजिट हो चुका है एक बार। विजिट होने के बाद ये येलो हो गया है और ये ब्लू अभी तक नहीं रहा है। तो इस तरह से हम एंकर प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सीडो क्लास का एग्जांपल। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं, जिससे कि हम कहते हैं फर्स्ट चाइल्ड सीडो क्लासेस। तो फर्स्ट चाइल्ड सीडो क्लासेस क्या करते हैं, फर्स्ट चाइल्ड सीडो क्लास मैचेज अ स्पेसिफाइड एलिमेंट दैट इज़ द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द अनदर एलिमेंट। ये जो फर्स्ट चाइल्ड है अनदर एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का, उसको चेंज करने के काम में आता है। हम देख लेते हैं, जैसे हमने लगाया p फर्स्ट चाइल्ड और उसके बाद कलर दे दिया, तो इसे यूज़ करके देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, ये आपका सीडो ये लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड को चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा, H1 लगाऊँगा, उसके बाद R फर्स्ट
चाइल्ड, और इसके बाद इसको मैं कलर दे दे रहा हूँ, कलर्स का पिंक कर दे रहे हैं, और इसके बाद इसे सेव करेंगे। मैं इसे सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं जैसे ही इसे रीलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला है आपका, वो आपका पिंक हो चुका है। तो इस तरह से हम फर्स्ट क्लास को चेंज कर सकते हैं, किसी भी चाइल्ड को फर्स्ट चाइल्ड से आप चेंज कर सकते हैं। ये आप प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं सीडो क्लास की। आई होप आपको सीडो क्लासेस समझ में आया होगा। देर आर मैनी मैनी थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ द सीडो क्लासेस, बट दीज आर द मेन एग्जाम्पल्स। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं नेट पर, बट दीज आर द मेन एग्जाम्पल्स सीडो क्लास के। सो आई होप आपको सीडो क्लासेस समझ में आए होगा। थैंक यू गाइज, मीट मी ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय। योर फीडबैक इज़ वैल्यूबल फॉर ऑल, सो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।